नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एक ऐप से जुड़ेंगे सभी एम्बुलेंस नेटवर्क। बिहार के 4 शहरों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कब होगा चालू। शिक्षक बहाली धांधली के मुख्य आरोपी का नाम नीट पेपर लीक मामले में आया सामने। बहन की शादी से गैर हाजिरी पर लव सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। बांग्लादेश को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एक ऐप से जुड़ेंगे सभी एम्बुलेंस नेटवर्क। बिहार में लगभग 14 जिले ऐसे हैं जहां सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, वहीं समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाने से मरीज की मौत हो जाती है। अब इसी को रोकने के लिए राज्य के अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों से एम्बुलेंस और अस्पताल को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग के मुताबिक हाईवे के किनारे या शहरों के आसपास के अस्पतालों में मौजूद सभी एम्बुलेंस भी जरूरत पड़ने पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने जा सकेंगे। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भी भेज दिए हैं। डीएलएड में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शुल्क तय। प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड शैक्षणिक सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शुल्क तय कर दिया गया है। शिक्षण संस्थान प्रति वर्ष अधिकतम 60,000 रुपये प्रति महीने और 2 वर्ष में कुल 1,20,000 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं। वहीं कोई भी प्रशिक्षण संस्थान किसी भी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क नहीं लेगा। नामांकन के दौरान नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्क लेना है। नामांकन में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर समिति के मोबाइल नंबर 9546114508 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षक बहाली धांधली के मुख्य आरोपी का नाम नीट पेपर लीक मामले में आया सामने। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले विजेंद्र गुप्ता का नाम लाइनर के तौर पर भूमिका निभाने में सामने आया है। विजेंद्र पटना के दानापुर में रहता है। विजेंद्र का नाम इससे पहले भी बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के धांधली में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आ चुका है, जिसके बाद पेपर सेटिंग के क्षेत्र में यह कुख्यात हो गया। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता ने दानापुर के 2-3 लोगों को नीट में सेटिंग के लिए सेटर चिंटू और उसके ऊपर के लोगों के बारे में जानकारी दी और उनसे संपर्क करने का माध्यम और फोन नंबर भी दिया। हालांकि जांच एजेंसियों को अभी तक सीधे तौर पर विजेंद्र के नीट पेपर लीक से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले हैं। 1 से 31 जुलाई तक होगा कृषि सेवा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार। बिहार कृषि विभाग के अंतर्गत बिहार कृषि सेवा के 4 अलग अलग पदों पर नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार को साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी है। साक्षात्कार में शामिल होने वाले सभी लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के लिए 1 से 31 जुलाई तक आयोजित की गई है। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि बिहार कृषि सेवा परीक्षा 2024 के 1,051 पदों पर भर्ती होना है, जिसके लिए कुल 2355 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। बहन की शादी से गैर हाजिरी पर लव सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की वेडिंग सेरेमनीज और सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी फोटो या वीडियो में सोनाक्षी के दोनों भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा में से कोई भी नहीं दिख रहा है। इससे सोशल मीडिया पर यह लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि सोनाक्षी के दोनों भाई कहाँ गायब हैं। क्या वे शादी से नाराज थे और इसलिए शादी में शामिल नहीं हुए? नाराज तो शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा भी बताई जा रही थी, लेकिन माँ बाप दोनों ही बेटी की शादी में शामिल हुए। वहीं मंगलवार को बहन की शादी से गैर हाजिरी के सवाल पर लव सिन्हा ने कहा है कि वे जल्द ही अपनी बहन की शादी पर बात करेंगे। एक अंग्रेजी अखबार को लव सिन्हा ने कहा कि वे जल्द ही सारी बातें क्लियर करेंगे, अभी मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि जब मुझे लगेगा कि बता सकता हूँ तो आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। राज्य के 7 यूनिवर्सिटी में कुल सचिव के पदों पर हुई नियुक्ति। बिहार के 7 यूनिवर्सिटी में अन्य वीसी की नियुक्ति को लेकर राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। वहीं राज्यपाल के आदेश के बाद प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू के साइन के बाद इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर शालिनी को पटना विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर प्रोफेसर नरेंद्र कुमार झा को मगध विश्वविद्यालय बोधगया में, डॉक्टर विपिन कुमार नालंदा खुला विश्वविद्यालय में, डॉक्टर समीर कुमार शर्मा
जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में प्रोफेसर नारायण दास और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद पर प्रोफेसर ब्रजेश पति त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में स्कूल प्रिंसिपल ने कुरियर कंपनी को बताया जिम्मेदार। नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्राचार्य और नीट के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसानुल हसन ने कुरियर कंपनी को दोषी ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की टीम की जांच में भी यह बात सामने आई है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में डॉक्टर हसन ने दावा किया कि ईओयू की जांच में सामने आया है कि 3 मई 2024 को ही एक कुरियर सर्विस की ओर से प्रश्न पत्र एसबीआई हजारीबाग पहुंचाए गए थे। बिहार के 4 शहरों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कब होगा चालू? बिहार के 4 शहरों दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है और अब लोगों को इसके चालू होने का इंतजार है। दरभंगा में इसके चालू होने की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। वहीं गया और भागलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सारा काम पूरा हो चुका है, मगर अभी तक ओपीडी सेवा शुरू नहीं की गई है। वहीं खबर है कि 15 जुलाई से मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत होने वाली है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का उप सचिव में हुआ प्रोन्नति। बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों को नीतीश सरकार की ओर से उप सचिव में प्रोन्नति दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी को वेतनमान स्तर 11 में प्रोन्नति दी गई है। 18वीं लोकसभा के पहले दिन शिवहर सांसद ने मैथिली भाषा में किया शपथ ग्रहण। सोमवार को 18वीं लोकसभा का पहला दिन शुरू हुआ। इस दिन नव निर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण किया। अब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को देखने को मिलेगा। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। लोकसभा में नव निर्वाचित सांसदों में शिवहर से जीत कर संसद पहुँचने वाली लवली आनंद ने भी शपथ ग्रहण किया। जदयू टिकट से सांसद बनने वाली लवली आनंद ने अपना शपथ ग्रहण मैथिली में किया। कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए एनडीए की नई कवायद शुरू। राजद के रामबलि सिंह चंद्रवंशी की विधान पार्षद की सदस्यता खत्म होने के बाद इस सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पूर्व मंत्री रहे भगवान सिंह कुशवाहा को जदयू की ओर से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान सीट के बंटवारे के समय भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा था कि विधान परिषद की रिक्त सीट रालोमो को दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ क्षेत्रों में कुशवाहा वोटरों के बीच एनडीए की कमजोर हुई पकड़ को मजबूत करने के लिए रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। रुपौली से उपचुनाव में एक का पर्चा रद्द, 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के लिए सोमवार को स्क्रूटनी की गई, जिसमें नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले 13 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द हो गया है। अभ्यर्थी नीलम देवी के कागजात की समीक्षा के दौरान त्रुटिपूर्ण पाए जाने की वजह से उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। वहीं अब स्क्रूटनी के बाद 12 प्रत्याशी रुपौली से चुनावी मैदान में है, जिसमें जदयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल और आरजेडी की बीमा भारती के बीच मुकाबला माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने गिनवाए 3 दिन में बिहार की 33 वारदातें, पीएम मोदी से पूछे सवाल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में 3 दिन के भीतर हुई हत्या समेत 33 वारदातों को गिनवाया है और पीएम मोदी से इस पर सवाल पूछा है। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने राज्य के अलग अलग जिले की घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि पीएम मोदी को जंगलराज के जंगली सपने चुनाव के वक्त ही आते हैं, लेकिन बिहार में रिकॉर्ड तोड़ अपराध दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी से निंदा के लिए 2 शब्द की उम्मीद है। तेजस्वी के जंगलराज के सवाल पर सम्राट चौधरी का पलटवार। बिहार में विपक्ष एक तरफ जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर भी डबल इंजन सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। तो वहीं तेजस्वी के जंगलराज के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के जंगलराज पर किए ट्वीट को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव का दिमाग खराब हो गया है, उन्हें अपने पिता लालू यादव के राज को याद करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में उनके पिता के राज में सीएम हाउस से गुंडागर्दी होती थी, सीएम हाउस में बैठकर फिरौती का पैसा वसूला जाता था। उन्होंने आगे लिखा कि लालू यादव बिहार में गुंडागर्दी के प्रतीक हैं। बांग्लादेश को हराकर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान।
25 जून को T20 विश्व कप 2024 के ग्रुप एक के सुपर 8 राउंड का आखिरी मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए डकवर्थ लुइस नियम के तहत बांग्लादेश को 8 रन से हराकर पहली बार T20 विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इसी के साथ बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें T20 विश्व कप 2024 से बाहर हो गई हैं। दरअसल मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 115 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम से यह उम्मीद की जा रही थी कि वो इस स्कोर को चेज कर लेगा, मगर दूसरी पारी से पहले बारिश ने दस्तक दे दी और इस मैच में एक ओवर की कटौती हुई। डकवर्थ लुइस नियम के तहत बांग्लादेश को जीत के लिए 114 रन का टारगेट दिया गया था, जिसका पीछा करने में बांग्लादेश की टीम नाकाम रही और बांग्लादेश के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राजकिशोर महतो, गोनर शर्मा, आमोद कुमार, राजेश कुमार, रवि कुमार राम, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद सागर कमल, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, नौसाद रजा, आसिफ हुसैन, बाबुल मरांडी, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल, कल हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में रोहित शर्मा के शानदार परफॉर्मेंस पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।